नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक है पॉइंटर इन सी लैंग्वेज। लेकिन पॉइंटर शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं एक बार वेरिएबल डिक्लेरेशन पर। जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप और वेरिएबल नेम और उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप ए वेरिएबल और उसमें मैंने 5 वैल्यू असाइन की। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो कंपाइलर क्या क्या एक्शन परफॉर्म करता है, उसको क्या क्या काम करने होते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रिजर्व स्पेस इन कंप्यूटर्स मेमोरी टू स्टोर द इंटीजर वैल्यू। देखिए मेमोरी में मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और उसको एक एड्रेस असाइन करता है। जैसे इस केस में है मेमोरी लोकेशन एड्रेस 65530। तो पहला काम तो कंपाइलर ये करता है कि इस वेरिएबल के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है। दूसरा काम है लिंक द वेरिएबल नेम विद दिस मेमोरी लोकेशन। आपने जिस नाम से भी वेरिएबल नेम लिखा है इज एन आइडेंटिफायर, ओके। तो जो भी आपने वेरिएबल नेम लिया है उस वेरिएबल नेम को मेमोरी लोकेशन के साथ लिंक करना। इस मेमोरी स्पेस को, इस मेमोरी लोकेशन को एक नाम मिल गया है ए, ठीक है, जिसे हम वेरिएबल नेम कहते हैं। अब ये इस स्पेस की आइडेंटिटी है, इस मेमोरी लोकेशन को हम ए नाम से जानते हैं। तीसरा काम है स्टोर द वैल्यू 5 एट दिस मेमोरी लोकेशन। जब मैंने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया तो इसको 5 वैल्यू असाइन किए, तो तीसरा काम कंपाइलर ये करता है इस मेमोरी लोकेशन पर ये 5 वैल्यू स्टोर करेगा। ये कांस्टेंट वैल्यू, ओके। अगर आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की होती वहां पर तो कंपाइलर कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू यहाँ पर स्टोर करेगा, लेकिन वैल्यू जरूर होगी, ठीक है। तो आपने देखा कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में तो कंपाइलर ये 3 एक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करता है, फिर उस मेमोरी लोकेशन को एक वेरिएबल नेम के साथ लिंक करता है और उस पे कोई ना कोई वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक आइडिया कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को एक मेमोरी एड्रेस जनरेट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंटर की। नाउ व्हाट इज पॉइंटर? ए पॉइंटर इज ए स्पेशल वेरिएबल that store the address of another variable. देखिए ये एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अभी तक आपने जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं वो सब वैल्यू स्टोर करते हैं। पॉइंटर ही एक स्पेशल वेरिएबल होता है, इसीलिए हम इसे स्पेशल कहते हैं, क्योंकि ये वैल्यू स्टोर नहीं करता, ये एड्रेस स्टोर करता है। देखते हैं वेरिएबल को, सॉरी पॉइंटर को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप और पॉइंटर नेम से पहले जस्ट ये स्टार बना लेते हैं जिसे हम एस्ट्रिक भी कहते हैं, ठीक है, और सेमीकोलन। इस स्टार से ही कंपाइलर को पता चलता है कि आप एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये स्टार नहीं लगाएंगे तो ये सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक p पॉइंटर डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप, ठीक है। देखिए दोस्तों एक इंटीजर पॉइंटर जो होता है वो एक इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर कर सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक p पॉइंटर डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप, ठीक है। तो अगर अब जैसे कि हमने देखा कि पॉइंटर क्या होता है, एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो एड्रेस स्टोर करता है। मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया तो मैं इसमें एड्रेस भी स्टोर करूंगा। तो ये जो पॉइंटर है ये सिर्फ इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर कर सकता है, क्योंकि मैंने इस पॉइंटर को एज ए इंटीजर डिक्लेयर किया है। सिमिलरली अगर आप किसी फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं तो आपको ये पॉइंटर फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करना होगा, और अगर आप किसी करेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं तो इस पॉइंटर का टाइप भी आप करेक्टर भी लिखेंगे, ओके।
जैसे आपने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो कुछ साइज लेता है, फ्लोट वेरिएबल लिया तो उसका कुछ डिफरेंट साइज होता है, लेकिन जो पॉइंटर वेरिएबल होता है ये फिक्स्ड साइज का होता है क्योंकि पॉइंटर वैल्यू स्टोर नहीं करता है, इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू में डिफरेंस होता है, लेकिन मेमोरी एड्रेस में कोई डिफरेंस नहीं है, वो मेमोरी एड्रेस चाहे इंटीजर वेरिएबल की हो या फ्लोट वेरिएबल की, एड्रेस इज सेम, मतलब उतनी ही लेंथ होता है, सेम नहीं अलग अलग होते हैं मेमोरी में, ठीक है। तो जो साइज ऑफ द पॉइंटर है वो इसके टाइप पे डिपेंड नहीं करता है, द साइज ऑफ द पॉइंटर इज नॉट डिपेंड ऑन इट्स टाइप, मींस अगर आपने पॉइंटर इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया या फ्लोट डिक्लेयर किया या कैरेक्टर डिक्लेयर किया तो उससे इसका साइज डिपेंड नहीं होता, ठीक है, इससे इसका साइज डिसाइड नहीं होता, ये किस पे डिपेंड करता है, इट एक्चुअली डिपेंड ऑन द सिस्टम आर्किटेक्चर, मीन्स इन 32-bit आर्किटेक्चर द साइज ऑफ द पॉइंटर इज 4 byte एंड इन 64-bit आर्किटेक्चर द साइज ऑफ द पॉइंटर इज 8 byte। तो अगर आप 32-bit कंपाइलर यूज करें तो पॉइंटर का जो साइज है वो 4 byte होगा, और अगर आप 64-bit कंपाइलर यूज कर रहे हैं या आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं तो पॉइंटर का जो साइज है वो 8 byte होगा। आपने देखा कि पॉइंटर का जो साइज है वो डिपेंड करता है आर्किटेक्चर पे, सिस्टम आर्किटेक्चर पे, ना कि आपने ये किस टाइप का डिक्लेयर किया है, किसका क्या डेटा टाइप है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी क्या क्या एडवांटेज है, पॉइंटर को हम क्यों यूज करते हैं। यदि पॉइंटर रिड्यूस द कोड एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, मेमोरी को एक्सेस करने के लिए आपको बहुत सारा जो कोड लिखना पड़ता है वो पॉइंटर के हेल्प से बहुत कम हो जाता है, और जो आपका प्रोग्राम की जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होती है। सेकंड पॉइंट है, वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ए फंक्शन यूजिंग पॉइंटर। जैसे कि आप जानते हैं कि फंक्शन जो है वो एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन पॉइंटर की हेल्प से आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, वी कैन एक्सेस एनी मेमोरी लोकेशन इन द कंप्यूटर्स मेमोरी यूजिंग पॉइंटर। जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें आप किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आपने सुना है दोस्तों, ये भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी पॉइंटर की हेल्प से ही पॉसिबल है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आपको नाम से ही कुछ आइडिया हो गया होगा कि हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। डायनामिकली क्या है कि रन टाइम पे हम मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं, तो वो भी सिर्फ हम पॉइंटर की हेल्प से ही करते हैं। Pointers in C language are widely used in array, function and structures. बहुत यूज होता है pointers का C language में, कहाँ पर array, function और structure में बहुत यूज करते हैं pointers को, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि कौन कौन से मेनली जो ऑपरेटर है जो पॉइंटर्स के साथ यूज होते हैं, वो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये अभी तक आपने स्कैनफ में यूज किया है, जब आप लिखते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और वेरिएबल नेम, तो इस ऑपरेटर का काम ये है कि ये मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है, इट रिटर्न द मेमोरी एड्रेस। दूसरा ऑपरेटर है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, इसे हम इन डायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, इट रिटर्न द वैल्यू स्टोर एट ए पर्टिकुलर एड्रेस, जिस भी पर्टिकुलर एड्रेस पे कोई वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू को रिटर्न कराने का काम करता है ये इन डायरेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखी stdio और conio हेडर फाइल, मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, a वेरिएबल इंटीजर टाइप, और इनिशियली हमने उसमें 5 स्टोर किया, जैसे कि आप देख सकते हैं
मेमोरी में एक ए वेरिएबल के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, उसको एक एड्रेस मिल गया 65530 और उस मेमोरी लोकेशन पर एक वैल्यू स्टोर होगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू दैट इज 5। ओके, तो हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है पी नाम से, एक पॉइंटर वेरिएबल, और क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है तो इसको भी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। अब इस मेमोरी का एड्रेस 56415, ठीक है, इस मेमोरी का भी एक नाम हो गया है पी, ठीक है। अब पी पॉइंटर पर हमें ए वेरिएबल का एड्रेस असाइन करना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं पी असाइनमेंट ऑपरेटर एड्रेस ऑफ ए। यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए जो है वो ए वेरिएबल का एड्रेस आपको रिटर्न करेगा और ये एड्रेस आपका स्टोर हो जाएगा पी पॉइंटर पर कुछ इस तरह से। दोस्तों अब पी पॉइंटर की हेल्प से ही हम ए वेरिएबल के वैल्यू और एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पी पॉइंटर के पास एड्रेस है ए वेरिएबल का, तो एड्रेस हम प्रिंट करा सकते हैं और उस एड्रेस की हेल्प से हम वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, इसके लिए हमने प्रिंट ऑफ लिखा, हम ए वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं, तो एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटाइल यू। देखिए परसेंटाइल यू जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है अनसाइन इंटीजर का, क्योंकि एड्रेस जो है वो कभी भी माइनस में तो नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने इसको अनसाइन इंटीजर रेंज रखा है। और पी के पास क्या है, एड्रेस 65530, यहाँ पे ए का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा 65530। अगर हमें ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है या एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंटाइल बी स्टार पी, तो ये हमारा वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, स्टार पी से ही हम ए वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। अब देखिए पी के पास क्या एड्रेस है, 65530, तो इस ऑपरेटर का काम क्या है कि वैल्यू एट एड्रेस 65530। अब कंपाइलर इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और इस लोकेशन पे जो भी वैल्यू स्टोर है उसे एक्सेस करेगा, तो इस मेमोरी लोकेशन पे क्या वैल्यू है 5, तो ये प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, इट्स अ बेसिक एग्जांपल जिससे आप समझ सके कि पॉइंटर क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। प्रोग्राम को बहुत सिंपल रखा गया है ये समझाने के लिए कि पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर के पास जो एड्रेस होता है उससे हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा एड्रेस ऑफ ए और वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं कुमार ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।